हेलो एवरीवन, सो आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दिस इज दिव्या अग्रवाल फ्रॉम फिजिकम अकेडमी। सो गाइस, आज जो डिस्कशन मैं आपके साथ करने वाली हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अगर आप DUET के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यू शुड नो कि क्या कट ऑफ जाती है। अगर आप DU के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको कितना प्रिपेयर करना है और अप्रॉक्सीमेटली कितने मार्क्स आपको लेकर आने हैं, सो दैट आप DU में बहुत ही शानदार तरीके से एंट्री ले सकें। पास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस टेस्ट है उसकी क्या एलिजिबिलिटी है, सेलेबस है। अब मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज़ अ कट ऑफ। ओके, तो पास्ट जो भी ओपनिंग और क्लोजनिंग रैंक है उसके भी हाफ पे मैं आपको बता दूंगी। ये मैंने 2020 के लिस्ट से लिया है DU के। ओके, तो ओपनिंग रैंक का मतलब ये हो गया गाइस कि DU की जो लिस्ट निकलती है, लिस्ट नंबर 1, लिस्ट नंबर 2, लिस्ट 3, 4, 5, इस तरह से लिस्ट निकलती हैं। तो लिस्ट 1 में जो ओपनिंग रैंक थी वो लिस्ट 1 में आई है। क्लोजनिंग मतलब जो लास्ट फर्स्ट लिस्ट में नहीं नाम आया, सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, तो फिफ्थ लिस्ट में, दिस इज द एक्सट्रीम कि इसके बाद में और इससे कम अगर मार्क्स आएंगे तो फिर आपको नहीं मिलेगा एडमिशन। ठीक है, तो ओपनिंग रैंक जो थी जनरल कैटेगरी के लिए, सॉरी, जो ओपनिंग मार्क्स थे वो कितने थे, 289। आपको मैंने पहले बताया था कि 400 मार्क्स का आपका पेपर होता है और 100 क्वेश्चंस होते हैं और एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का होता है। तो मतलब जनरल कैटेगरी के अगर आप एस्पिरेंट हैं, ओके, तो आपको मिनिमम 286 मार्क्स लेके आने पड़े 2020 में, IT उसमें DU में जाने के लिए। और फिर जो बच्चों के 286 से कम करके जो 229 तक के जो बच्चे थे उन सबको एडमिशन मिल गया जनरल कैटेगरी वालों को DU में। OBC की बात करते हैं तो OBC में 249 पे ये खुला था, ओके, और उसके बाद में 203 तक ये क्लोज हो गई। 203 से 202 वाले बच्चों को एडमिशन नहीं मिला OBC कैटेगरी वाले को। SC की हम बात करते हैं तो 231 पे ये ओपन हुआ था और 121 रैंक वाले मार्क्स वाले तक के बच्चों को एडमिशन मिल गया। अगर ST का कैंडिडेट था तो 152 पे ये ओपन हुआ था फॉर ST स्टूडेंट्स और 48 मार्क्स पे आपका DU में आपका एडमिशन मिल गया 48 मार्क्स में। EWS की अगर हम बात करते हैं तो 266 पे ओपन अप हुई थी जनरल और EWS में, बहुत ही महीम सा, बहुत ही हल्का सा फ़र्क होता है, आप देख सकते हैं 10-12 मार्क्स का, ओके। और क्लोजनिंग रैंक 229 थी जनरल में, यहाँ पे 217, तो 217 वाले तक के बच्चे जो EWS कैटेगरी के थे उनको यहाँ पे एडमिशन मिल गया। तो इससे हम क्या एनालाइज करेंगे कि अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं फर्स्ट में क्लोजनिंग रैंक पे नहीं आ रही हूँ, क्योंकि हम लोग यार हिट तो ओपनिंग रैंक के लिए ही करेंगे, मतलब अगर मुझे 400 मार्क्स का पेपर देना है तो मुझे 300 प्लस मार्क्स लाने हैं, ये मेरा टारगेट होना चाहिए। अगर मैं टारगेट 300 प्लस सेट करूँगा, ओके, तो समवॉट मैं यहाँ तक आ पाऊँगा, ठीक है, और फिर हम DU में जा सकते हैं अगर हम जनरल कैटेगरी के हैं। तो इसी भी यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे भी आपको वही 300 तक आप सेट करें अपना टारगेट, फिर जितने भी मार्क्स आते हैं उसके भी हाफ पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो 300 मार्क्स को हिट करने के लिए आपको अच्छे, मतलब दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 75% मार्क्स आपको सोचना पड़ेगा कि इन 3 मंथ्स में मुझे इस तरह से प्रिपेयर करना है अपने आप को कि मेरे मिनिमम DU के पेपर में 75% मार्क्स आए, और फिर आपको डेफिनेटली DU में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। एंड दिस इज़ ऑल्सो ट्रस्ट मी वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट। ओके, अगर आपका अच्छी IIT नहीं मिल रही है या लोअर NITs, एक्सट्रीमली लोअर NITs मिल रहा है, तो इट्स बेटर DU, चूज़ DUET, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का आप चूज़ करें बाय गिविंग द एंट्रेंस टेस्ट ऑफ DU। तो बस यही मुझे आपको इस वीडियो में बताना था दोस्तों कि क्या कट ऑफ रहती है, कितना आपको मार्क्स लाना चाहिए DU के लिए। और अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में जहां मैं BHU के बारे में आपको चीज़ें बताऊंगी। पर इससे पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको पता है डेली आपके लिए वीडियोज़ यहाँ पर आती हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली हैं, और आप मेरे साथ पढ़ भी सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक है, व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है और टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरी चैनल्स को। तब तक के लिए टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी पढ़ाई, इन सब चीज़ों पे अच्छे से ध्यान दीजिए। एंड डेफिनेटली यू विल डेफिनेटली क्रैक दिस DU इफ़ यू आर एन एस्पिरेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड स्माइल।